अपन को इस तरीके से करना, यहाँ पे अगर तुम एक बेस चीज देखो तो इसमें हैचिंग जो है ज्यादा तो सब वर्टिकल ही है। तो अगर मैं यहाँ पे भी करता हूँ तो मैं स्टार्टिंग में हाथों के नीचे कुछ पेपर रख लेना, कोई ऐसे ऐसे हाथ घिसेगा नहीं वरना तुम्हारा पूरे हैचिंग जो है वो शेडिंग में बदल जाएगी। जो हेयर्स की आउटलाइन है वो अपनी मैकेनिकल पेंसिल से ही थोड़ी डार्क कर दो, तो ये फेस की भी जितनी आउटलाइन है हेयर्स वाले पोर्शन में ये भी डार्क कर दी। ठीक है, मैं पहले तुम्हें एक स्मॉल पोर्शन करके दिखाऊंगा। ये जो अपन ने बनाया था ऐसे रेंडमली, तुमने जो उल्टे सीधे भी बना दिए किसी ने, तो तुम्हें ये टेक्निकली क्या करना चाहिए, इस तरीके से थोड़े आगे की तरफ ऐसे बाल, ठीक है, उस लाइन से ऐसे लाने थे। ठीक है, ये अपना जो वी शेप यहाँ पे बनाया था, जो अंदर अंदर थोड़ी सी लाइनिंग सी बनाई थी वो भी ऐसे डार्क करते जाओ। ठीक है, ये अपन को पूरे में करना है सबका डार्क। फिर उसके बाद पेंसिल को थोड़ा पीछे पकड़ो और ऐसे पास पास वर्टिकल हैचिंग करो। ठीक है, ये एक फर्स्ट लेयर अपनी वर्टिकल हैचिंग होगी क्योंकि अपन को ज्यादातर उसमें ऐसे ही दिख रहा है। तो पूरे जो एरिया जहां जहां भी तुम करते जा रहे हो पूरे हेयर्स में सब जगह वर्टिकल हैचिंग, क्योंकि मैं तुम्हें बताया था तुम्हें कोई एरिया समझ में नहीं आया कुछ नहीं आया तो वर्टिकल हैचिंग करना स्टार्ट कर दे से। फिर ये वाला जो एरिया आता है इसे भी डार्क करेंगे। ओके, और फिर इसमें भी अपन ऐसी वर्टिकल, याद रखना स्ट्रोक शार्प होने चाहिए और लाइटली लगाओ ऐसे, एकदम डार्क नहीं चाहिए अपन को। उसके लिए अपने पास 6B पेंसिल है। ओके, ये भी हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाले हिस्से में वर्टिकल कर दी, यहाँ पे देखो थोड़े एक एंगल पे है, यहाँ पे हल्के हल्के पीछे की तरफ से जा रहे हैं। तो तुम्हें यहाँ पे जो फोरहेड की तरफ है ये वाला एरिया देखो लाइन इरेज कर दिए, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना, थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाते रहो, कुछ डायगनल कुछ हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। और फिर यहाँ से जो आ रहे अपने वो इस तरीके से आएंगे, थोड़े पहले डायगनल रहेंगे फिर धीरे धीरे वर्टिकल होते जाएंगे। ये भी सेम चीज, ये थोड़े डायगनल है और ये वर्टिकल होते जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे भी वर्टिकल ही रखो ऐसे। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे वर्टिकल की जगह थोड़े इस डायरेक्शन में डायगनल रख दो, वो ज्यादा सेंस बन रहा है क्योंकि डिफरेंस में भी अपन को वैसे दिख रहे हैं। और ये इतने बड़े एरिया में वर्टिकल की जगह ऐसे थोड़े डायगनल वाले ज्यादा बेटर बेस लेयर होते हैं। ओके, तो ये अपनी बेस लेयर हो जाती है। तो इतना करो पहले, बालों में ऊपर वाले पोर्शन में देखो तुम्हें जो थोड़ा मीडियम मिड टोन दिख रहा है, अपने लाइट वाली लेयर बना ली। अब डार्क यहाँ पे आता है तो ऐसा नहीं कि ऐसा छोड़ के बाकी सब करें, नहीं, यहाँ से अपन ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे डायगनल्स में स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट करेंगे पास पास। ठीक है, फिर यहाँ पे डायगनल्स में स्ट्रोक लगाना स्टार्ट करेंगे और ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में। फिर
ये यहाँ पे जाएगा पीछे की तरफ, जिस मतलब जिस डायरेक्शन में बाल जाते जा रहे हैं यूजुअली ऐसे ऊपर इधर और पीछे, ठीक है, पीछे की तरफ जाते जाते धीरे कम होते जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे अपन, थोड़ा पीछे की तरफ जाते जाते ऊपर वाले हिस्से में हैचिंग थोड़ी लाइट ही रखना, क्योंकि यहाँ पे जो हाइलाइट्स दिख रहे हैं ना अपन को, ये अपन बाद में थोड़े थोड़े इरेज करेंगे। अब जैसे ये डार्क एरिया, तो डार्क एरिया में क्या करो, इस तरीके से हैचिंग करते करते उसको थोड़ा और डार्क कर दो, ताकि अपनी जो 6B की लेयर है कहाँ करनी है पहचानने में आसानी रहे। ऐसे कर्व होते हुए जा रहे हैं तो तुम भी इस तरीके से कर्व होते हुए बीच में थोड़े से स्ट्रोक्स डालो। ये सब तुम्हारा ऐसे डार्क है तो अंदर अंदर ऐसे धीरे धीरे डार्क करते जाओ। ठीक है, ये सब तुम्हारा ऐसे डार्क है, ये वाला हिस्सा है, तो ये कर्व करो। जैसे ये है कर्व करते करते लाए, यहीं धीरे धीरे ऊपर लेकर, फिर ये वाला एरिया आता, तुम देख सकते हो यहाँ से ऐसे कर्व जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी मिड टोन हैचिंग है, तो डायगनल्स बनाने हैं तुम्हें, ध्यान देना हॉरिजॉन्टल नहीं, डायगनल्स बनाने हैं ये इस डायरेक्शन में, और पास कर देना मैं, फिर इस डायरेक्शन यहाँ देखोगे तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे इस डायरेक्शन में डायगनल्स बनाते जाओ। ठीक है, हो गया। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये जो हिस्सा है डार्क टू लाइट आ रहा है, तो है तो ये वर्टिकल स्ट्रोक्स लेकिन पास पास, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डार्क है, ठीक है, यहाँ पे मिड टोन्स है, मिड टोन से ऐसे थोड़े और आगे तक चलेंगे और ऐसे आगे आते आते ये पोर्शन ऐसे थोड़ा लाइट हो जाएगा। सेम चीज यहाँ होगी, ये डार्क चल रहा है, धीरे धीरे मिड टोन्स पे आया अपन, और मिड टोन से आते आते लाइट हो गया ये। फिर ये वाला जो एरिया है नीचे वाला ईयर्स के पास, ये थोड़े डार्क है, तो इस तरीके से कर्व बनाओ, सेंटर की तरफ थोड़ा हाई लाइट है, तो इधर से लेफ्ट टू राइट स्ट्रोक्स लगाओ, यहाँ राइट टू लेफ्ट स्ट्रोक्स लगाओ, ठीक है, ये फिर इस तरीके से नीचे कर्व करते जाओ, ठीक है, ये नीचे की तरफ कर्व किए क्योंकि अपना ये नीचे की तरफ जा रहा है, ओके, फिर ये ऊपर की तरफ करे, ये वाला पोर्शन जो है देख सकते हो हैचिंग का हिस्सा है, हैचिंग का हिस्सा है, ये ऐसे हैचिंग करते करते ये नीचे जा रहा है, क्रॉस हैचिंग है इसमें, और ये अपना इतना पोर्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें भी और थोड़ा डेप्थ आएगी, जैसे ये वाला जो पोर्शन है अपना, ये पूरा डेप्थ वाला पोर्शन है, ये पूरा डार्क जाएगा, उसके बीच में एक दो जो लाइट पोर्शन आ रहे हैं, जैसे ये डार्क है पूरा, इसे तुम्हें इस तरीके से हाईलाइट करना होगा बाकी, ताकि तुम जब 6B से लेयर लगाओ, ओके, तो वो अच्छे तरीके से आ जाए। पीछे वाले पोर्शन में अगर देखो तुम, तो ये वाला पोर्शन तो पूरा डार्क है, तुमने इसे रेंडमली हैच कर दिया क्योंकि ये पूरा डार्क है, यहाँ से थोड़े ऊपर डार्क की तरफ स्ट्रोक्स है, इसे डायगनल में आते जाएंगे ये। देखो जो मिड टोन्स है वो आराम आराम से करना, जैसे ये जो एक लाइट पोर्शन आ रहा है, जैसे ये लाइट है, तो इसे छोड़ो, तुम्हारा ये डार्क आएगा पूरा बाहर की आउटलाइन, ओके, फिर ये वाला पोर्शन जो आता है, इधर पे हैचिंग करो, पास पास करो, थोड़ी डार्क करो, रेफरेंस देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अपन को किस डायरेक्शन में लगाने और कितने प्रेशर के साथ लगाने।
ठीक है, इस तरीके से अपनी सेकेंड लेयर भी हो जाती है। सिक्स बी पेंसिल लिया अपन ने, सिक्स बी पेंसिल का कहाँ कहाँ यूज होगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे होगा, ये डार्क एरियाज डार्क एरियाज, ये पीछे पीछे डार्क एरियाज, यहाँ पे डार्क एरियाज, ये थोड़े डार्क एरियाज, तो यहीं पे होगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, जैसे ये है तो यहाँ पे जैसे अपन ऊपर तक ले गए थे, यहाँ पे थोड़े नीचे तक ऐसे स्ट्रोक्स रहेंगे, ऐसे यहाँ वाले स्ट्रोक्स ऐसे, ओके। ये वाला जो डार्क एरिया है इस तरीके से, देखो शेड कर सकते हो या हैचिंग कर सकते हो, इट्स अप टू यू, तुम्हें जो सुटेबल लग रहा हो। लेकिन याद रखना हर जगह एक जैसी होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ एरिया डार्क ज्यादा है कुछ एरिया डार्क कम है, अगर डेप्थ दे रहे हो तो एक जैसी दो फिर। बीच बीच में जहां तुम्हें अगर लग रहा हो कि डेप्थ कम है तो वहां हैचिंग दे सकते हो, जैसे ये है तो ये वाला पोर्शन तो पूरा अपना डार्क रहेगा, ठीक है। अब यहां से पीछे की तरफ डार्क आती जा रही है, आगे की तरफ मिड टोन, सब ये तुम्हें पूरा शेड नहीं करना है, ये थोड़ा थोड़ा गैप में दे सकते हो, जो एट सिक्स बी से स्ट्रोक्स दे रहे हो वो आगे तक आ सकते हैं लेकिन थोड़े थोड़े गैप में इस तरीके से, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ यहाँ दिया, ये पीछे से कनेक्टेड है, धीरे धीरे आगे तक आया, यहाँ पे हैचिंग हुई। ये ईयर्स के ऊपर वाला पोर्शन इस तरीके से जो आया, ऐसे स्ट्रोक्स आगे की तरफ आते गए, थोड़ा थोड़ा बीच में हाईलाइट सा छोड़ना है, ओके। थोड़े थोड़े इस तरीके से भाई सेम तरीके से नीचे नीचे आएंगे और फिर सेम वही तरीके से स्ट्रोक्स करते करते ऊपर जाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो हैचिंग है, एक हॉरिजॉन्टल हैचिंग या समथिंग लाइक दैट, थोड़ा थोड़ा हल्के से यहाँ पे कर देना ताकि एकदम ही ऑड ना लगे, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर करना क्योंकि अपन ने डेप्थ दे दी, बसती है ये वाला पोर्शन। तो उस पोर्शन को पहले आउटलाइन कर लिया करो जहां तुम्हें एकदम डेप्थ देनी है, तो यहाँ पे अपन अच्छे तरीके से पेंसिल शार्प रखना या शार्प पॉइंट यूज करना पेंसिल का। ये हैचिंग हुई, ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, इन दोनों पार्ट को छोड़ के बाकी सब तुम्हारा हैच होगा। अब ऐसे करना कि कोई और डायरेक्शन पकड़ो, ठीक है, और बहुत ऐसे डार्क मत करना, एकदम ही डार्क कर दिया, ये हल्का सा है, सिक्स बी को लाइटली भी चलाओगे तो भी अच्छे तरीके से हैच हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो पीछे से आ रहा, इसको ऐसे धीरे धीरे नीचे लाते लाते यहाँ कनेक्ट कर दिया और बीच में अपन इस तरीके से छोड़ दिया फिर। देखना कहीं भी तुम्हें ऐसे कोई ऑड सा ना लगे कि एकदम से डार्क से लाइट हो गया, जहां डार्क से लाइट तुम्हें लग रहा है कि एकदम से डार्क से लाइट हो गया तो वहां पे थोड़ा बीच में हल्की सी शेडिंग हैचिंग कर दो ताकि वो एक ट्रांजिशन सा लगे, एक मिड टोन आनी चाहिए, तुम्हें मिड टोन एक हर जगह देनी है, ओके। अब इतना करने के बाद अपन के बालों में भी तो थोड़े बहुत हाईलाइट्स हैं, और बालों में जो हाईलाइट्स हैं वो तुम अपनी मोनो जीरो इरेजर निकालो या फिर नॉर्मल मैकेनिकल इरेजर। हाइलाइट्स क्या हो गए, जैसे ये वाला पोर्शन है आउटलाइन, तो मैं क्या करूंगा, ये आउटलाइन इरेज कर दी, फिर ये वाला पोर्शन है तो यहाँ से थोड़ी इरेज करी, फिर ये वाला पोर्शन है तो यहाँ से थोड़े से ऐसे स्ट्रोक्स लगाते हुए करा, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहा हूँ रेंडमली, ऐसे स्ट्रोक्स लगाते हुए थोड़े दो चार स्ट्रोक्स यहाँ आएंगे और बस इतना ही है, ओके। और फिर तुम्हें बस एक काम करना होता है, स्केच के साइड में अपना
साइन, तो इसका मतलब तुम्हारा स्केच कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने एक नॉर्मल सा स्केच बहुत आसानी से, डिफरेंट मेथड भी सीखे इसमें। ठीक है, इसमें मेन मेजॉरिटी चीज़ ये है कि तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए, तो तुम्हें आ गया ड्रॉ करना। बेसिक हैचिंग आनी चाहिए, बेसिक हैचिंग आ गई तुम्हें एक आइडिया भी लग गया कि अपन हैचिंग कहाँ से कैसे करते हैं। ठीक है, कि आसपास से कोई एक एरिया सरफेस उठाई, उसी के डायरेक्शन में हैच करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बालों में एक बेसिक हैचिंग कैसे देते हैं कि वर्टिकल किया, फिर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर हैचिंग कैसे करते हैं, तो वो तुम्हें वो भी आ गया। ठीक है, तो अपने स्केच कंप्लीट हो जाता है।